महाराज जी, आप अपने परिचय के साथ बताएं कि इस यक्ष का क्या नाम है और इससे क्या फायदा होता है, मेरा इसका क्या उद्देश्य है? मेरा परिचय हुआ श्री स्वामी अभ्यानंद जी महाराज, मेरा स्थान श्रीधाम वृंदावन और संस्थापक राधे कृष्ण कृपा कुंज आश्रम है मेरा वृंदावन में पानीघाट परिक्रमा मार्ग। और यह जो यज्ञ आप सुन रहे हैं, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, यह सतचंडी एवं पार्थिव शिवलिंग पूजन। सतचंडी यज्ञ में दुर्गा सप्तशती का 108 पाठ होता है और पार्थिव में पार्थिव शिवलिंग बनकर के उनका पूजन अभिषेक किया जाता है। अब सतचंडी यज्ञ, पहले के राजा महाराजा लोग अपनी क्षेत्र की रक्षा के लिए इस यज्ञ को किया करते थे, करवाते थे ब्राह्मणों के द्वारा, जैसे कि रामचंद्र जी ने भी अपने अयोध्यावासियों की रक्षा के लिए एवं लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवती का यह यज्ञ किया था। लेकिन आजकल समय को देखते हुए हम लोग यज्ञ न करके आलतू फालतू चीज में हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे यज्ञ किया जाए, जिस क्षेत्र में जिस जगह पर यह यज्ञ होता है उतनी दूर की वातावरण और उतने दूर में जो क्या होता है कि महामारी नहीं फैलता है। जैसे कि 2020 में कोरोना आया था और 2021 तक हम लोगों को तबाह किया, उस दरमियान हमने यहाँ पर कई प्रखंडों में, कई गांव में भी हमने यहाँ यज्ञ किया। जैसे कि गायघाट प्रखंड में हमने सोनपुर हो गया, कटरा सोनपुर हो गया, उसके बाद आपका जाया हो गया, बिरई हो गया, ये गायघाट विधानसभा के अंतर्गत आता है। और जहां जहां यह यज्ञ हुआ वहां वहां एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं पाया गया। तो यह इसमें एक एक मंत्र जो है शक्तिशाली है, यदि नियम से और धैर्य से किया जाए तो इसमें एक एक मंत्र सटीक काम करता है। और यह यज्ञ जब भी होता है तो अपने गांव पंचायत के कुल देवता और कुल देवी के स्थान पर, क्योंकि कहा जाता है कि जब कुल देवी प्रसन्न होती हैं, जब स्थान देवता प्रसन्न होते हैं, तो किसी भी प्रकार की आपदा विपदा हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायत में नहीं आता है। और यह तो हम विश्व कल्याणार्थ, किसी एक मुजफ्फरपुर के लिए नहीं, किसी एक बिहार के लिए नहीं, यह विश्व कल्याणार्थ, विश्व के लिए हम लोग कदम चला रहे हैं कि हर गाँव में ऐसा हमारा कार्यक्रम चलता रहे। पिछले के जमाने में ब्रह्म स्थान पर पहले कुछ लोग जमा होकर के पार्थिव शिवलिंग पूजन किया करते थे, करवाते थे, लेकिन आजकल क्या है कि समय को देखते हुए हम लोग इसको, परंपरा को भूलते जा रहे हैं। उसी को पुनः, उस परंपरा को हम लोग समाज को इकट्ठा करके और फिर उस परंपरा को हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं, लेकर के चलें कि फिर से हमारा, इससे क्या होता है कि सामाजिक समरसता होता है, सभी छूटे बिछड़े ऊंच नीच सब लोग मिल करके हम लोग इसमें आकर के भाग लेते हैं। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।